नगरपालिका परिषद कोसी कलां ने रविवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 154 घंटे महासफाई अभियान के तहत नगर में विशेष सफाई अभियान शहर को कचरा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। कोसी कलां नगरपालिका परिषद की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर नगर में सघन विशेष सफाई अभियान चलाया गया। यह जानकारी नगरपालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी ने देते हुए बताया कि देश के आदर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सुंदर उत्तर प्रदेश सुंदर शहर के संकल्प को बनाने के लिए नगरपालिका परिषद की ओर से साफ सफाई नगर में हो इसको लेकर समय समय पर अभियान चलाकर नगर को कचरा मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं रविवार को कोसी कला में पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल के साथ अधिशासी अधिकारी निहाल सिंह, सभासद विष्णु सैनी, लक्ष्मी नारायण चंदे, लवली सोनी, मनीष जैन, मोहन श्याम, आदित्य प्रताप, योगेंद्र शर्मा और पालिका की टीम के साथ सभी ने मिलकर नगर के रत्न सागर कुंड, भगवती मंदिर, तांगड़ा मोहल्ला, तालाब शाही, ब्राह्मणपुरी आदि जगहों के कुंडों एवं नगर की सफाई की। पालिका अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी ने नगरवासियों से अपील की है कि नगर को सुंदर बनाए जाने के लिए नगर पालिका परिषद कर्मचारियों को सहयोग कर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में सभी का सहयोग करें। पूरे शहर और पूरे देश में चलाया जाए उसी के तहत आज हमने गोमती, रत्नागर सागर, तालाब सभी स्थानों पर सफाई कार्य किया है जिसमें अधिशासी अधिकारी के साथ मेरे टीम के मेंबर शामिल हैं और कर्मचारी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात है मैं जनता जनार्दन से इस अवसर पर अपील करना चाहूँगा कि स्वच्छता हम सबको रखनी है। यदि हम सब लोग जागरूक होंगे तो हम अपने घर को स्वच्छ रखें, घर के बाहर को स्वच्छ रखें और सड़क को स्वच्छ रखें, अपने आस पड़ोस को स्वच्छ रखें। अगर सभी लोग स्वच्छता पर ध्यान देंगे तो यह शहर पूरा स्वच्छ कहलाएगा, स्वच्छ वातावरण बनेगा। मैं जनता जनार्दन से बहुत सारी अपील करना चाहूँगा कि जल को यूँ ही प्रवाह नहीं करें, जल में टोंटियाँ लगाएं, जो नलकूप हैं हमारे जो अपने पाइपलाइन है उनमें टोंटियाँ लगाने का कार्य करें, साथ ही पानी को वेस्ट ना करें, अनर्थ ना करें, साथ में सफाई रखें और स्ट्रीट लाइट जो चलती रहती है 24 घंटे उनको बंद करने का कार्य करें। ये सब हम सब का कर्तव्य है। हमारी नगर पालिका की टीम पूरी मेहनत के साथ इस शहर को आगे ले जाने में कार्य कर रही है। मेरे सभी सभासद खड़े होकर सफाई कार्यों को देख रहे हैं। ऐसा बोर्ड है ये जो जनहित में कार्य कर रहा है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, पुनः अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि इस शहर को आगे ले जाने में आप सब लोग ध्यान रखें। आप सबसे यही मेरी विनम्रता के साथ प्रार्थना। राज्य सरकार के दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। आज 1 अक्टूबर को, क्योंकि कल जो है महात्मा गांधी की जयंती है, उसकी पूर्व संध्या पर 1 घंटे का कार्यक्रम जो है चलाए जाने के निर्देश सरकार से प्राप्त हुए थे। इसी क्रम में अध्यक्ष महोदय के द्वारा और पालिका टीम के द्वारा ये अभियान आज चलाया गया है और पूरे शहर में विभिन्न स्थानों पर यह अभियान चलाया गया। और क्या संदेश देना चाहेंगे इस अभियान के तहत? सरकार का संदेश साफ है, वही संदेश उसी का अनुपालन नगर पालिका को भी करना है। साफ रहें, स्वस्थ रखें, शहर को साफ स्वच्छ रखें, नगर पालिका का सहयोग प्रदान करें जिससे कि जो है बीमारियों से बचा जा सके।